आज हम बनाएंगे जी दाल लोबिया और ये हेले की है रेड किडनी बीन्स। ये है 460 ग्राम। तो इसमें ये है कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तीन कंपनी है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो इसकी वजह से आप ये तकरीबन 4 से 5 बंदों के लिए है। और इसके अंदर आप ज़्यादा पानी डालें तो ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन जो बेसिकली 4-5 बंदे इसको आसानी से ना खा सकते हैं। और ये है 400 ग्राम है, ठीक है। आज इसको तैयार करने का पूरा तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिस दिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली तमाम वीडियो जितने भी है वो आप तक आसानी पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम फसूलिया जो है इसको ओपन करेंगे। ओपन करके तो आज पहले हमने ये प्याज काटा, प्याज को हमने छोटा छोटा करके काटा हुआ है। आप बड़ा भी काट सकते हैं, लेकिन छोटा काटेंगे उससे ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाएगा। उसके साथ ही हमने ये लहसुन काट के रखा हुआ है, और लहसुन भी छोटा छोटा करके काटा। आपके पास अगर वो इसको कूटने वाली है वो भी इसको छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये टमाटर काटा हुआ है, और टमाटर भी हमने छोटा छोटा काटा हुआ, बड़ा काटा बड़ा भी काट सकते हैं, लेकिन ये हमने छोटा छोटा काटा ताकि वो आसानी इसको जल्दी कर सके। और ये लाल ग्रीन मिर्च है, ग्रीन मिर्च हमने लंबी काटी हुई है। आप इसको छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन हमने इसको लंबा लंबा काटा ताकि वो उस फसूली के अंदर सामने नज़र आ जाए। उसके साथ साथ ही हमने अदरक काटी हुई है, अदरक बिल्कुल छोटा काटा हुआ है। तो उसके बाद हम जब उसको साथ साथ आगे फ्राई करेंगे, पहले इसका एक डेगची में ऑयल लेंगे, ऑयल के अंदर ये प्याज डाल के इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के, उसके बाद मसाला जब फुल तैयार हो जाएगा, ग्रेवी बन जाएगी, उसके बाद फिर हमने फसूलिया डालना है। फसूलिया को हमने उबालना है, उबाल के फिर हमने इसको रेडी करके बाकी जो उसके जो बाकी वाला प्रोसेस है इंशाल्लाह बाकी हम आगे वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, बेटर यही है कि इसको इसके अंदर से निकाल के इसका वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको पकाएं, ज़्यादा बेटर आपके लिए। अगर आप सिरका पसंद करते हैं तो डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, इसके लिए एकदम मुश्किल कोई नहीं है। We'll be right back.
के लिए होता है। यहाँ पे बॉयल हुई होती है, सोडियम से बॉयल हुई होती है, इसके अंदर में शक्कर डाला होता है। हम इसको वॉश नहीं करते, आप अगर सिरका पसंद नहीं करते तो उसको वॉश कर सकते हैं, निकाल के वॉश पे पेपर डाल के उसको। अच्छा जी खालिद साहब कैसी बनी है जी दाल लोबिया? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो ये यूं है कि जैसे मैं अपने घर में बैठ के खाना खा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ा दें और आपके चैनल को दिन दुगनी तरक्की अदा करें। बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत शुक्रिया। जी आफ्ताब भाई, भाई इतना कहेंगे भाई आपके इस लोबिया के लिए हम मैकडोनल्ड को लात मार के आ रहे हैं। मजे का बना है कि दिल नहीं कर रहा उठ के जाने को भाई। हम ये सही साहब
भाई बहुत मजे का बना हुआ है, यकीन जाना कोई कढ़ाई गोश्त बना हुआ था लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। आया 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 लोबिया को खाया। शुक्रिया जी शुक्रिया। अतर भाई आप बड़े अरसे बाद आ जाते हैं। जी बहुत अच्छा बना है, मैं तो काफी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, और बड़ा मजा आया आपके हाथ का दोबारा खाना खा के, दिल खुश हो गया। आई लव यू। शाह जी मैं लोबिया खाने खमीज से स्पेशल आया हूँ। देखे मैंने लोबिया बनाया है। अच्छा बाकी सारों की जोड़ो जड़ी बड़ी।